खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है, जहां पर नगर पंचायत सरायकिल में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के तबादला होने के बाद नवागत अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार सिंह के आने पर लगभग 31 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नगर पंचायत से हटाया गया है। जब 31 कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई तो लिस्ट उपलब्ध नहीं कर पाए। जब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ये जानकारी हुई तो बृहस्पतिवार 23 फरवरी को सुबह नगर पंचायत का घेराव कर दिया और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बताया कि पिछले लगभग 3 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। जब हम लोगों को भर्ती किया गया तब नगर पंचायत के लिपिक ने रिश्वत लेकर हमें भर्ती किया और अब फिर नौकरी देने के लिए दोबारा से रिश्वत की मांग हो रही है। रिश्वत ना देने पर नौकरी से बाहर कर दिया गया है। कुछ सफाई कर्मियों ने बताया कि विगत 5 वर्षों से नगर पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन अब हमको नौकरी से निकाला जा रहा है और दोबारा रखने के लिए हम लोगों से फिर से रिश्वत की मांग नगर पंचायत सराय अकिल के कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने यह भी बताया कि जब से नए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सराय अकिल में आए हैं, ना हम लोगों को पहचानते हैं ना ही हम उनको पहचानते हैं और हमारे लोगों का निष्कासन भी कर दिया गया है। इस मामले में जब अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पंचायत में बजट न होने की वजह से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। एक तरफ जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है, वहीं पर ऐसे जिम्मेदार अधिकारी सरकार की किरकिरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखने हैं कि रिश्वत लेकर भर्ती करने वाले अधिकारी पर कोई कार्रवाई होती है या फिर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आप लोग ये नगर पंचायत में किस लिए एकत्रित हुए हैं आज? सर, ना पेमेंट मिल रही है, पेमेंट के सिवा चटनी कर दी है, निकाल भी दी है। काहे लिए निकाला गया है आपको? मालूम नहीं कहीं। आपकी भर्ती कब हुई थी? भर्ती हमारी तो 7-8 महीने। वेतन के लिए काहे रहे हैं तो आप? किसने आपकी भर्ती किया था? सुधानी सर। नगर पंचायत चेयरमैन ने? जी सर। निकाला किसने आपको? संतलाल साहब। ये संतलाल कौन है? ये यहाँ के बड़े बाबू साहब। अधिशासी अधिकारी महोदय नहीं आए हैं क्या अभी? वो नहीं थे सर कल। बिना अधिशासी अधिकारी के रहने पर इन्होंने निकाला है आप? जी सर। अधिशासी अधिकारी ना हमको चुप रहा बाबा। क्या तुमको लोगों को भी निकाला गया है क्या? क्यों निकाला? जब भर्ती हुए थे तो ऐसे ही भर्ती हुए थे? नहीं सर, कमीशन दिया है। कितना पैसा दिया है आपने? 30,000 रुपये दिए सर। किसको दिया है? संतलाल साहब को। नाम आपका? अरुण। आपका नाम? हमारा मंगेश कुमार। हम बच्चन की ड्यूटी करते हैं तो 10,000 रुपये लेते हैं, तो शादी उनके घर में थी इसलिए हमको रोक दिया। बाद में एक बार तुम काम छोड़ दो, हमको छोड़ दिया है। अभी ये मोर्चे निकले तो हम काम भी थोड़ा शामिल हो जाते हैं, जिसके वजह से हमको बुला रहे हम काम नहीं जाएंगे। ये ही कि अभी ये बहुत दिन से ये चर्चा हो रही है कि ऐसी दिक्कत है, ऐसी परेशानी है। तो ये कर्मचारी कर्मचारी होता है, सुबह से आदमी निकलता है, दिन छोड़ देता है, सारा दिन काम करता है। नाम बताओ। नाम मंगलेश कुमार चक्का महादेवपुर। ये बताइए, आप जब भर्ती हुए हैं जी सर, तो आपको निस्वार्थ भर्ती करा गया या कुछ ऐसे? नहीं, घूंच लिए सर। कितना? 50,000। कितना दिया है आपने पैसा? 50,000। किसको दिया है? तलाल सर। आपका नाम? दिनेश। आपने दिया है? फिर भी मांग रहे 30,000 की दीजिए, 30,000 तभी लगाएंगे, निकाल दीजिए। मतलब फिर आपसे मांगा जा रहा है पैसा? कितना? 30,000। कौन मांग रहा है? तलाल सर। ये संतलाल है कौन नगर पंचायत? आपका नाम? दिनेश। ग्राम? क्या तुमको लोगों को भी निकाला गया है क्या? क्यों निकाला गया? जब भर्ती हुए थे तो ऐसे ही भर्ती हुए थे? नहीं सर, कमीशन दिए है। कितना पैसा दिया है आपने? 30,000 रुपये दिए सर। किसको दिया है? संतलाल साहब। नाम आपका? अरुण कुमार। आपका नाम? हमारा मंगेश कुमार। हम बच्चन की ड्यूटी करते हैं तो 10,000 रुपये लेते हैं, तो शादी उनके घर में थी इसलिए हमको काम रोक दिया था। बाद में एक बोले तुम काम छोड़ दो, हमको छोड़ दिया है। अभी ये मोर्चा निकला तो हम काम भी थोड़ा शामिल हो जाते हैं, जिसके वजह से हमको बुला रहे हम काम नहीं जाएंगे। ये ही कि अभी ये बहुत दिन से ये चर्चा हो रही है कि ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी है। तो ये कर्मचारी कर्मचारी होता है, सुबह से आदमी निकलता है, दिन छोड़ देता है। नाम बताओ। नाम मंगलेश कुमार चक्का महादेवपुर।
जी। तुमको लोगों को भी निकाला गया क्या ड्यूटी जी सर? काहे निकाला गया? कुछ पता नहीं सर, ना ही कोई जवाब है। चार चार महीने से पेमेंट नहीं मिली, कहने में ना ही कोई ऐसी सूचना, ना ही कुछ भी, ऐसे फर्जी निकाल रहे हैं। कितने दिन से सर्विस करते हो नगर पंचायत? हमको सर 5 साल पूर्वा हो चुका है, 6वां साल चल रहा। जब भर्ती हुए थे तो ऐसे ही भर्ती हुए थे आप लोग? घूस दे के सर। कितना दिया है? 50,000। हमने 30,000। क्या नाम है आप दोनों लोगों का? हमारा नाम है गौतम कुमार सर। संदीप निवासी? चित्तापुर। तुम्हारा घर? ये नगर पंचायत सराया के लिए।